जय हिंद एवरीवन। आज हम रेजिस्टिंग मीडियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। चलिए पहले न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास एक पार्टिकल है मास एम का, जो कि किसी पॉइंट ओ से फॉल करना स्टार्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ये माना पार्टिकल ने ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करना स्टार्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और ऐसे रेजिस्टिंग मीडियम में फॉल करना स्टार्ट किया जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है म्यू टाइम्स द वेलोसिटी। रेजिस्टेंस इक्वल्स म्यू टाइम्स द वेलोसिटी। मान लिया पार्टिकल किसी टाइम पर पी पोजीशन पे पहुंचा, जिस समय ये टी टाइम पर पार्टिकल हमारा पहुंचा पी पोजीशन पे, जिस समय इसका इस इनिशियल पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो हमारा है एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो पार्टिकल जो है उसको जब रिलीज किया गया था तो वो पॉइंट ओ पर रेस्ट पे था, यानी पॉइंट ओ पर हमारा टाइम टी इक्वल जीरो हो गया, वेलोसिटी वी इक्वल भी जीरो है एंड एक्स जो है वो भी जीरो है, ठीक। तो पॉइंट पी की बात करें अब, तो पॉइंट पी जो है पार्टिकल की किसी टाइम टी पर पोजिशन है जिस समय इसकी वेलोसिटी वी है और ओ पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्या है एक्स है। अब पॉइंट पी पर हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो हमें दिखता है कि सबसे पहले तो इस पे वेट mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक। साथ ही साथ इस रेजिस्टिंग मीडियम के कारण जो पार्टिकल पर पॉइंट p पर रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, वो हमें पता है कि वो क्या होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो मास एम के पार्टिकल पर जो लग रहा है हमारा टोटल मास एम के पार्टिकल पे वो दिया हुआ है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द वेलोसिटी। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो पूरे होल बॉडी पे, यानी मास एम जो है पूरे होल बॉडी पे मास एम की बॉडी पर लग रहा है, यानी हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू टाइम्स द वेलोसिटी, ठीक। यहीं पर अगर हमें दिया होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेलोसिटी, तो हमें उस केस में यूनिट मास पे लगने वाले रेजिस्टेंस के बारे में पता होता और टोटल मास पर निकालने के लिए रेजिस्टेंस हमें क्या करना होता, एम से मल्टीप्लाई करना होता म्यू वी, ठीक। अगर यहीं पर हमारा दिया होता रेजिस्टेंस एक्टिंग पर यूनिट ऑफ मास, तो उस केस में पूरे मास एम पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एम को मल्टीप्लाई करना पड़ता म्यू वी में, लेकिन क्योंकि यहां पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, सिंपली रेजिस्टेंस मेंशन किया गया है, तो ये रेजिस्टेंस पूरे बॉडी जो मास एम की है उस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस है, ठीक। इसलिए हमने मास मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है हमारा वो हो गया म्यू वी, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक। तो पॉइंट पी पर हमारे दो फोर्सेस हैं, एक तो वेट mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है जो है म्यू वी। अब हम पॉइंट पी पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टाइम टी बाद जब पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें ये दिखाना है, ठीक। हमें दिखाना है कि पार्टिकल टाइम टी के बाद इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ, ठीक। तो यहां पर यानी डिस्टेंस एंड टाइम की बात हो रही है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी ही निकालना है, ओके। अगर हम एक्स एंड टी में रिलेशन निकाल लेंगे तो हमें टाइम टी के बाद, यानी पार्टिकल जब पी पोजीशन पे है तो उस समय उसका कितना डिस्टेंस है इस इनिशियल पोजीशन ओ से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। अगर हम पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट पी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है और उस कारण पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन जो है वो है एक्स डबल डॉट, ठीक। मास मल्टीप्लाई किया हमने एम, तो पार्टिकल पी पर इस डिस्प्लेसमेंट एक्स होने की वजह से जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है एम एक्स डबल डॉट और जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। इक्वल अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे पॉइंट पी पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट पी पर अगर हम देखें तो हमारा वेट mg है जो कि किस डायरेक्शन में है, एक्स इंक्रीज होने के डायरेक्शन में। ये आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम एक्स इंक्रीज होने के डायरेक्शन में किसी फोर्स को देखते हैं तो उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी o से डिस्टेंस बढ़ने के डायरेक्शन में है, तो ये हो गया पॉजिटिव। p पॉइंट पर एक और फोर्स है, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। और अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी x के डिक्रीज होने के डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा माइनस म्यू वी, ठीक।
इलास्टिक। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी। हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, ठीक, ये हमें निकालना है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट इक्वल्स जी माइनस म्यू बाई एम वी, ठीक। अब हमें रिलेशन चाहिए एक्स एंड टी में, और यहां पर हमारा है वी, ठीक। हम तीन वेरिएबल्स जो है एक्स टी एंड वी, इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना सीख चुके हैं, लेकिन हमें यहां पर वी की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक्स एंड टी की जरूरत है। तो वी के रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट इक्वल्स जी माइनस म्यू बाई एम डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ओके। अब नेक्स्ट x डबल डॉट को हम कुछ लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डॉट का मतलब है डबल डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ओके। यहां पर हो गया हमारा g माइनस म्यू बाई एम डी एक्स बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स जी, ओके। अब इंटीग्रेट करने के पहले हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू बाई एम डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ओके। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक। इसको जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया टी के रेस्पेक्ट में तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक। यहां पर इंटीग्रेट किया तो डी एक्स बाई डी टी, ये डी टी हो गया, और यहां इंटीग्रेट किया तो जी इंटीग्रल डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इस तरह से कुछ हमारा आया। यानी इसको इंटीग्रेट करने पे मिला डी एक्स बाई डी टी, यहां पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू बाई एम एक्स इक्वल्स जी डी टी का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आ गया टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी हमें टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला, ठीक। तो हमारा जो डबल डिफ्रेंसिएशन था वो अब सिंगल डिफ्रेंसिएशन में चेंज हो गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक्स एंड टी में रिलेशन मिल जाएगा। उसके पहले कॉन्स्टेंट सी जो है वो हमें निकालना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम इनिशियल कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें ऐसा पॉइंट जहां पर हमें एक्स की वैल्यू भी पता हो टी की वैल्यू भी पता हो वहां से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियली पॉइंट ओ की अगर हम बात करें तो पॉइंट ओ पर हमारा था टी इक्वल जीरो एक्स इक्वल जीरो एंड वी इक्वल जीरो, मतलब डी एक्स बाई डी टी भी जीरो था, ठीक। तो इस पॉइंट पर सारी चीजें हमें पता थी, तो ये कंडीशन जब हम पॉइंट ओ पर इनिशियल कंडीशन लगाते हैं इस इक्वेशन में तो डी एक्स बाई डी टी भी हमारा जीरो हो गया, ये एक्स जो जीरो होने की वजह से ये टर्म भी जीरो हो गया, और यहां पे हमारा टी जीरो होने से जी टी भी जीरो हो गया, यानी फाइनली हमें मिलेगा सी इक्वल जीरो, ओके। और सी इक्वल जीरो होते ही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जो हमने इंटीग्रेट किया था उससे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू बाई एम एक्स इक्वल जी टी, ओके। अब ये जो है ये भी अभी हमें एक्स एंड टी में रिलेशन नहीं दे रहा है, हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, यानी हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान दें तो ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, ठीक। तो इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कुछ ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक। तो इस रिजल्ट को अब हम अप्लाई करने वाले हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e टू द पावर इंटीग्रल, जैसे यहाँ पर पी डी एक्स हम करते थे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, पी की जगह हमारा है म्यू बाई एम और डीएक्स की जगह है डीटी, तो म्यू बाई एम डीटी, ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो गया e टू द पावर म्यू बाई एम टी, ओके। और सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल ऑफ, ये हमारा है q की जगह पे, तो जी टी इंटू ई टू द पावर म्यू बाई एम टी या जी टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जी टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी हमें मिला x इंटू ई टू द पावर म्यू बाई एम टी इक्वल्स g कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, t e टू द पावर म्यू बाई एम टी प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमें x एंड t में रिलेशन मिलेगा, तो देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, ठीक, तो मिलेगा x इंटू ई टू द पावर म्यू बाई एम टी इक्वल्स जी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल करेंगे तो यानी e टू द पावर म्यू बाई एम डिवाइडेड बाई, ये t के संग म्यू बाई एम भी लगा हुआ है तो म्यू बाई एम, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t का डेरिवेटिव, तो ये हो गया वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक, तो ये हो गया e टू द पावर म्यू बाई एम टी डिवाइडेड बाई म्यू बाई एम डी टी प्लस c, तो कुछ इस तरह से हमें इंटीग्रेट करने पे मिला। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, इसको और सॉल्व करने पे हमें नेक्स्ट मिलेगा x e टू द पावर म्यू बाई एम टी इक्वल्स जी, ये हमारा म्यू बाई एम जो है इसको लिख सकते हैं m बाई म्यू, ठीक, तो ये हमारा हो गया m बाई म्यू, ठीक, टी भी था हमारे पास m बाई म्यू टी ई टू द पावर म्यू बाई एम, ये हमारा इस टर्म की वजह से मिला, ठीक, इस टर्म की वजह से, और यहां से मिलेगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ई म्यू बाई एम टी का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा, एक तो एम बाई म्यू हमारा पहले से है इससे डिनोमिनेटर की वजह से, और यहां इंटीग्रेट करने पे फिर से मिलेगा ई पावर म्यू बाई एम टी डिवाइडेड बाई म्यू बाई एम प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक, ये हमारा पूरा इस तरह से था प्लस कॉन्स्टेंट सी, ओके, ठीक। अब एम बाई म्यू हम क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो गया जी एम टी बाई म्यू, फर्स्ट टर्म से मिलेगा ई टू द पावर म्यू बाई एम टी माइनस सेकेंड टर्म जो है ये हम जब लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर ई टू द पावर म्यू बाई एम टी प्लस सी, ठीक। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जो है उसको हमें निकालना है इनिशियल कंडीशन ओ पर लगा के, पॉइंट ओ जो था उस पर हमें दिख रहा है, पॉइंट ओ पर अगर हम इनिशियल कंडीशन लगाए तो टाइम टी इक्वल हमारा जीरो है, ठीक, देख सकते हैं आप पॉइंट टी जो है वो हमारा जीरो है, टाइम टी वी की वैल्यू भी जीरो है, वेलोसिटी एंड एक्स इक्वल जीरो है, तो जैसे ही हम ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था हमने यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे टी इक्वल जीरो, ये पूरी इसकी वैल्यू वन हो जाएगी हमारी, लेकिन एक्स जीरो होने की वजह से ये हमारा एलएचएस पूरा जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टी जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म भी हमारा जो है वो जीरो हो गया, और यहां पर जैसे ही टी इक्वल जीरो पुट करेंगे यहां पर पावर में तो ई पावर जीरो यानी यहां से वन वैल्यू मिलेगी, तो हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस सी, यानी सी की वैल्यू कुछ हमें मिलेगी जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, और ये वैल्यू ले जाकर जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x e टू द पावर म्यू बाई एम टी इक्वल्स जी एम टी बाई म्यू e टू द पावर म्यू बाई एम टी, यहां पर ये c की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, माइनस जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर e टू द पावर म्यू बाई एम टी
प्लस जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर। ठीक, तो यहां देख रहे हैं इन दोनों टर्म में हमारा जी एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉमन है, जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर इसको एक साथ ले सकते हैं। ई टू द पावर म्यू बाई एम टी को अगर हम इस तरफ ले जाए तो ये यहां से हमारा ये और ये कैंसिल हुआ, यहां से भी कैंसिल हो गया और यहां पर हमारा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस म्यू बाई एम टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर जब कॉमन करेंगे हम लोग तो यहां से हमें मिलेगा, यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर तो यहां से हमारे पास आएगा ई टू द पावर माइनस म्यू बाई एम टी इस वाले टर्म से, यहां से हम लोगों को मिलेगा माइनस वन और ये जो टर्म था यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर यहां की बात करें तो इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा प्लस म्यू टी बाई एम। ठीक, इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें जी एम टी बाई म्यू ही मिलेगा। ठीक, यानी एक्स की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से हो गई और यही हमें प्रूफ करना था, अगर आप देखें तो यही रिजल्ट हमें चाहिए था कि डिस्टेंस जो है पॉइंट ओ से इनिशियल पोजिशन से टाइम टी बाद कुछ इस तरह से होगा हमारा पार्टिकल का।